हमने बरेली से आगरा तक का टिकट ले डाला। टिकट चेकर आया, उसके ना मांगने पर भी हमने टिकट दिखलाया। टिकट देखकर बोला, भाई साहब ये निर्णय आप ही ने लिया है या फिर बरेली वालों ने रेफर किया है? मेरी राय में प्राइवेट में भी दिखलाते तभी आगरा जाते। मैंने कहा, क्या तुमको भी मेरा पागल होना नजर आता है? बोला, रेलवे में होकर टिकट लेकर चलना तो यही दर्शाता है। लोगों की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती पीने की, मैं क्यों पीता हूँ? पंक्ति देखेगा कि हमारी रोज रोज की पीने की आदत से होके परेशान, कि हमारी रोज रोज की पीने की आदत से होके परेशान। एक रोज हमारी सासू जी बोली, जवान श्रीमान आप रोज रोज पी करके क्यों आते हो? हल्ला करते हो, मोहल्ले वालों को सुनाते हो। मैंने कहा, पूजनीय सासू जी, शायद आप एक बात नहीं जानती हैं, आपकी ये लाडली हमको सिर्फ पिया होने पर ही पिया मानती है, वरना तो आंखें दिखाती है सीना तानती है। मैं रेलवे से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, एक रचना दे रहा हूँ रेलवे के ऊपर ही सीधे सीधे, कि हमने कुतुब मीनार को नापने का बीड़ा उठाया, हमने कुतुब मीनार को नापने का बीड़ा उठाया और जाकर के अपनी श्रीमती को बतलाया। श्रीमती बोली, नापना ही है तो ताजमहल को नापो, भला कुतुब मीनार को नापने से क्या फायदा? अगर ताजमहल को ना भी नाप पाए, कम से कम तुम्हारा जैसा आदमी आगरा तो पहुंच जाएगा। बरेली में रहते हुए 20 साल हो गए हैं, रत्ति पर फर्क नहीं आया है। भगवान ही जानता है कि तुमको कहाँ कहाँ ने दिखलाया है। मैंने पूछा, क्या तुम हमको पागल समझती हो? बोली, इसमें समझने की क्या बात है, बच्चा, इसमें समझने की क्या बात है, बच्चा बच्चा जानता है। एक तुम ही नहीं मानते, क्योंकि कोई भी पागल अपने आप को पागल नहीं मानता है। पत्नी की बातों ने हमें झकझोर डाला, हमने बरेली से आगरा तक का टिकट ले डाला। टिकट चेकर आया, उसके ना मांगने पर भी हमने टिकट दिखलाया। टिकट देखकर बोला, भाई साहब ये निर्णय आप ही ने लिया है या फिर बरेली वालों ने रेफर किया है? मेरी राय में प्राइवेट में भी दिखलाते तभी आगरा जाते। मैंने कहा, क्या तुमको भी मेरा पागल होना नजर आता है? बोला, रेलवे में होकर टिकट लेकर चलना तो यही दर्शाता है। मैंने कहा, मित्र तुमने बिल्कुल सत्य फरमाया है, सच्चे मेहनती और ईमानदार आदमी को आज के दौर ने पागल ही बतलाया है। आज के दौर में न्यूज चैनल वालों ने कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया, न्यूज चैनल वालों ने कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया, संयोग से उसमें हमने भी भाग लिया। प्रतियोगिता के नियमानुसार जो अधिक से अधिक देर तक कविता सुनाएगा उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। एक के बाद एक कवि आता गया, अपनी रचना सुनाता गया, लेकिन कोई कब तक सुनाता? इतनी कविता कहाँ से लाता? लाता तब जब लिख पाता, क्योंकि आज बड़े से बड़ा कवि ज़्यादा लिखता ही कहाँ है, बड़े से बड़ा कवि ज़्यादा लिखता ही कहाँ है। अपनी दो चार कविताएं इधर से उधर कहता है, जब सब कुछ कविताएं ख़त्म हो जाती है फिर इधर उधर की बकता रहता है। अंत में हमारा नंबर आया, हमने एक ही कविता को 5 बार सुनाया। अंत में हमारा नंबर आया, हमने एक ही कविता को 5 बार सुनाया। कविता सुनकर कुछ लोग तो बोर हो गए, कुछ लोग उठकर चले गए, कुछ सो गए। तब चयन समिति का एक सदस्य बोला, दीवाना जी बेवकूफ बना रहे हो, एक ही कविता कितनी बार सुना रहे हो? मैंने कहा, वाह मेरी एक ही कविता 5 बार सुनकर झल्ला रहे हो? जब आपका चैनल एक ही समाचार 5-5 दिन तक दिखाता है, तब कोई कैसे कहता है? तब समझ नहीं आता है। बता देता हूँ, तब तक माइक, जब तक विजेता घोषित नहीं हो जाऊंगा तब तक माइक से हाथ नहीं हटाऊंगा। अंत में एक रचना दे रहा हूँ कि एक अस्पताल के एक ही बेड पर एक ही मरीज एक महीने के भीतर जब चौथी बार मुझे मिला, पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, कि एक अस्पताल के एक ही बेड पर एक ही मरीज
एक महीने के भीतर जब चौथी बार मुझे मिला तो उसे देखकर मेरी सातवीं सेंस का एंटेना हिला। देखिए सब में पांच सेंस होती है, किसी किसी में छह होती है, मेरे में सात सेंस है। और इस सेंस के नाम से मेरी पत्नी मुझे बुलाती है कि नॉनसेंस इधर आ। तो मेरी सातवीं सेंस का एंटेना हिला, मैंने कहा या तू तो इस धरती का सबसे बड़ा दुष्ट है, या फिर ईश्वर ही तुझसे दुष्ट है, या फिर अस्पताल का खाना तुझे बहुत भाता है, या फिर किसी महिला स्टाफ से तेरा कोई अंतरंग नाता है। बोला भाई साहब आपका सोचना 100% सही है, क्योंकि आपके प्रति मेरे भी विचार यही है। जब जब भी मैं यहाँ आया हूँ आपको भी तो पाया हूँ। मैंने कहा बेवकूफ मैं यहाँ आता नहीं हूँ, बुलवाया जाता हूँ। ऑपरेशन से पहले मरीजों को अपनी कविता सुनाता हूँ। मेरी कविता सुनकर मरीज गहरी नींद सो जाता है, एनेस्थीसिया का पैसा तो बचता ही है, ऑपरेशन भी आराम से हो जाता है। तू बोल तू क्या कहता है, आए दिन यहीं क्यों पड़ा रहता है? अब जंग देखिएगा, आए दिन यहीं क्यों पड़ा रहता है? बोला भाई साहब पहली बार आँख में जाला आया था, यहाँ के एक डॉक्टर को दिखलाया था, जाला तो नहीं गया, आँख चली गई। आजकल समाजवाद की रोटियां सेक रहा हूँ, सबको एक आंख से देख रहा हूँ, और वो डॉक्टर का साला जोता पैदाइशी अंधा मेरी एक आंख से चला रहा है ऑप्टिकल्स का धंधा। कुछ दिनों पश्चात रुक रुक के पेशाब आने लगा, फिर यहीं के एक डॉक्टर को दिखलाने लगा, इस बार भी धोखा खा गया, अपनी एक किडनी गवा गया। इसी गम में ब्लड प्रेशर बढ़ गया और एक रोज दिल का दौरा पड़ गया। होश में आने पर डॉक्टर ने बताया गजब के आदमी हो, गजब ढा रहे हो, एक आंख एक किडनी एक ही वाल्व से काम चला रहे हो। मित्र बहुत घबरा गया हूँ, पहले आंख फिर किडनी अब एक वाल्व गवा गया हूँ। मैंने कहा बेवकूफ जब तुझे पता है कि तेरे साथ यहाँ सब कुछ होता है फिर भी तू यहीं क्यों आता है, कहीं और जाकर के क्यों नहीं दिखलाता है? बोला अब दिखाने के लिए बचा ही क्या है एक पेट के सिवा, सोचता हूँ उसको भी निकलवा दूँ, क्योंकि पेट शरीर का एक ऐसा अंग है जिससे हर कोई तंग है। कोई पेट दर्द से तंग है, कोई पेट अर्थ से तंग है। पेट के लिए औरत होटलों में गाती है, पेट के लिए न जाने क्या क्या सह जाती है। पेट के लिए पेट में पेट पल जाता है, पेट के लिए पले पेट को फिर कोई नहीं अपनाता है। अरे काश काश अगर ये पेट ना होता तो हर कोई सुखी होता, कोई ना दुखी होता, कोई ना दुखी होता, कोई ना दुखी होता।